गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम निधि शर्मा, योर इंग्लिश टीचर. एज यू नो, योर ऑनलाइन क्लासेस हैड बीन स्टार्टेड सम डेज एगो. सो आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम आल्सो स्टार्टेड योर इंग्लिश क्लासेस फ्रॉम टुडे. तो फर्स्टली आई वांट टू गिव टू सम इंस्ट्रक्शन टू यू बिफोर मेकिंग अ वीडियो. Firstly, you have to make two English notebooks, first for English reader and first for and second for English grammar. Okay, students. So, here I am sending a video. So watch it you carefully. And I am giving some homework. So do you this work in your notebook and book also. So firstly I explain you your first lesson of English grammar. The topic of this lesson is words and sentences. So let us start our lesson. Okay, तो आपका lesson है first words and sentences. As you know, what is words? In last year classes you know what is words, कि words क्या होता है. तो first of all we discuss about what is words, कि हम सबसे पहले discuss करेंगे कि what is words, words क्या होते हैं. तो so I explain you that कि words are formed by the helping of letters. यानी कि letters आप जानते हो ना, alphabet में जो हमारे letters होते हैं उनको, उनसे हमारे words बनते हैं. तो क्या होता है कि वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय हेल्पिंग बाय लेटर्स. एज यू नो दैट देर आर 26 लेटर्स इन आवर अल्फाबेट. व्हेन वी अरेंजिंग दीज लेटर्स अकॉर्डिंग टू द मीनिंग देन वी फॉर्म्ड ए वर्ड. आप सभी जानते हैं ना कि हमारे अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं. ओके, जब हम इन लेटर्स को एक पर्टिकुलर मीनिंग्स वाले वर्ड में अरेंज करते हैं तो क्या बनता है, हमारा एक वर्ड्स बनता है. तो देन वी फॉर्म्ड ए वर्ड, तब हमें क्या करते हैं, एक वर्ड बनाते हैं. सो वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय हेल्पिंग दी लेटर्स. तो वर्ड्स किससे बनता है, लेटर्स की हेल्प से. विदाउट लेटर्स वी कांट डू एनीथिंग, कि लेटर्स के बिना हम कुछ थोड़ा कर सकते हैं. अब जो इंग्लिश में हमारे ए बी सी डी है, ये सारी चीज़ें, ये अल्फाबेट ही तो हैं, सॉरी लेटर ही तो है. तो ये इन लेटर्स से हमारा क्या बनता है बेटा, वर्ड्स बनते हैं. अब देखो वर्ड्स फॉर्मेशन, इसमें लिखा हुआ है वर्ड फॉर्मेशन, कि वर्ड बनाना कि किस तरीके से बना सकते हैं. अब आपकी देखो मेक एक्सरसाइज नंबर ए है कि मेक 20 वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स इन पिरामिड. ये जो बना हुआ है वर्ड्स, इसमें से आपको ये जो वर्ड्स लेटर्स दिए गए हैं, देर आर गिवन सम लेटर्स इन योर बुक, देन यू मेक वर्ड बाय द हेल्पिंग ऑफ दिस लेटर्स. तो आप लोगों को क्या करना है, एक होमवर्क तो आपका ये हो गया, दिस इज योर होमवर्क आल्सो, कि यू मेक 20 वर्ड्स इन योर बुक आल्सो. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज वर्ड्स. अब मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि क्या वर्ड्स किससे बनता है, कि किससे बनता है वर्ड्स, कि वर्ड्स हम किससे बनता है, कि बाय वर्ड्स फॉर्म्ड बाय द हेल्पिंग ऑफ द लेटर्स. कि जब लेटर्स को हम अच्छी तरह से अरेंज करके एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, देन वी मेक अ वर्ड्स. और वर्ड्स से क्या बनता है बेटा, वर्ड्स से बनते हैं हमारे सेंटेंसेस. व्हेन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक ए पर्टिकुलर सेंस, मेक ए कंप्लीट सेंस, देन इट कॉल्ड इट ए सेंटेंसेस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस. सेंटेंसेस पे हम डिस्कशन बाद में करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कशन अबाउट वर्ड्स. तो हम इस बार अपना वर्ड्स पर डिस्कशन कर रहे हैं. ओके, तो आपको ये वर्क करना है अपनी बुक, एज यू विश. आप दिस वर्क इज डूइंग इन योर बुक आल्सो एंड नोटबुक आल्सो. ओके, नेक्स्ट आता है आपका एनाग्राम्स. नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका बेटा एनाग्राम्स, कि एनाग्राम्स होता क्या है, व्हाट इज एनाग्राम्स. तो एनाग्राम्स क्या होता है, फर्स्टली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एनाग्राम्स अ वर्ड अ फ्रेज दैट इज मेड बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द अनदर वर्ड और फ्रेज इन अ डिफरेंट ऑर्डर.
ओके इसमें भी आपके लिखा हुआ है कि एन एनाग्राम इज ए वर्ड दैट इज फाउंड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ ए गिवन वर्ड्स, कि एक एनाग्राम इज ए वर्ड, कि एनाग्राम एक वर्ड होता है दैट इज फॉर्म, जो बनता है, फॉर्म्ड मीन्स क्या होता है, बनाना, बाय रीअरेंजिंग, रीअरेंजिंग द लेटर्स, व्हेन वी आर रीअरेंज द लेटर्स, कि जब हम लेटर्स को रीअरेंज करते हैं अपने गिवन दिए हुए शब्दों से, जो हमारा दिया हुआ वर्ड है, तब उसको वो दैट इज मेड एन एनाग्राम, वो एनाग्राम हमारा कहलाता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन अगेन आई एक्सप्लेन यू कि ए वर्ड और फ्रेज, कि एक शब्द और एक फ्रेज, फ्रेज एज यू नो फ्रेज फ्रेज इज अ इज ए लाइक इनकम्प्लीट सेंटेंसेज दैट हैव ए नो मीनिंग्स विदाउट, जिसमें कोई वर्ब नहीं होती, वो फ्रेजेस हमारे कहलाते हैं। देखिए ए वर्ड अ फ्रेज दैट इज मेड, कि एक वर्ड या फ्रेज बनाना, जिनको बनाते हैं बाय रीअरेंजिंग, बाय अरेंजिंग द लेटर्स, क्या होता है, बाय अरेंजिंग द लेटर्स या रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड्स, कि हम उसको अरेंज कर दें लेटर्स को दूसरे शब्द में और दूसरी फ्रेज में, इन ए डिफरेंट ऑर्डर, एक उसका उसका ऑर्डर अलग हो जाता है। देखो जो फर्स्ट ऑफ एग्जाम्पल आपका दिया गया है टीम, ओके टीम, अब ये क्या है इसमें पार्टनर, पार्टनर आपका दिया गया है, गिवन अ वर्ड हियर पार्टनर, तो दैट इज मेड मेट, एम ए टी ई मेट। अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में, फर्स्ट में वर्ड आपको करके बता रही हूँ कि और आर ए रॉ, रॉ, और इसके अगेंस्ट लिखा गया है फाइट, तो इससे क्या बनेगा हमारा, फाइट मीन्स लड़ना, तो हम यहाँ इसका क्या बन जाएगा, वॉर, डब्ल्यू ए आर वॉर, ओके क्या बन जाएगा इससे हमारा, डब्ल्यू ए आर वॉर। तो ये क्या हुआ कि एक वर्ड ऑफ फ्रेज को हमने उसको अरेंज कर दिया, उसके लेटर्स को दोबारा अरेंज कर दिया और उससे हमने क्या किया, दूसरा शब्द बना दिया, यानी कि वी मेक ए अनदर वर्ड और अनदर फ्रेज इन अ डिफरेंट ऑर्डर, उसका ऑर्डर हमने डिफरेंट करके हमने उसको क्या कर दिया बेटा, उसको अगेन मेड अ वर्ड। नेक्स्ट देखिए एल ए टी ई लेट, लेट यहाँ पर स्टोरी, अब स्टोरी का क्या होता है, अब इसी इन्हीं से हमने इन्हीं वर्ड्स को अरेंज किया, टी ए एल ई टेल, टेल मीन्स भी स्टोरी होता है, ओके जैसे इसमें हमने इन वर्ड्स को क्या किया दोबारा इस, और ए रॉ, रॉ मीन्स क्या होता है आप जानते हो कि जो कच्चा मटेरियल होता है उसको रॉ, जो कच्ची चीज़ें होती हैं उनको रॉ बोलते हैं, तो ऐसी उसमें क्या हुआ कि डब्ल्यू ए आर वॉर, वॉर मीन्स भी लड़ाई हो गया और फाइट मीन्स भी लड़ाई हो गया, तो इसमें इन्होंने देयर आर गिविंग द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, कि अकॉर्डिंग टू दीज मीनिंग्स वी मेड ए न्यू वर्ड, ओके जैसे टी ए एल ई टेल, टेल मीन्स हो गया स्टोरी। तो सेकेंड होमवर्क इज दैट यू डू ए एंड ये बी एक्सरसाइज इन योर बुक आल्सो, ओके आपको ये वाली एक्सरसाइज भी आपकी अपनी बुक में ही आपको करनी है, यू डू दिस वर्क इन योर बुक आल्सो, ओके इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू डिस्कस मी, ओके आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वॉट इज वर्ड्स एंड एनाग्राम्स, कि वर्ड्स और एनाग्राम्स क्या होते हैं, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड, कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक वी टेक इट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज यू नो दैट वॉट इज ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि हम कोई भी चीज, कि जब व्हेन वी पुट अ सम वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन इट इज कॉल्ड ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, ओके अब आप देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ हैं, हम कोई चीज़ आपके यू मेड अ इन योर क्लासेस, योर क्लास टीचर मेड अ रजिस्टर एंड देन इट पुट अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकली योर नेम, कि आपके नाम को अल्फाबेटिकली वो रजिस्टर में मेंटेन करते हैं या हम लोग रजिस्टर में उसको मेंटेन करते हैं, एंड डिक्शनरी, एंड डिक्शनरी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। अब देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ए डिक्शनरी ऑलवेज हैज़ वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, कि एक डिक्शनरी जो होती है उसमें क्या होता है बेटा, कि उसमें हमेशा जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से होते हैं। You can look up the You can look up the dictionary to know new words and their meanings. तो आप अपनी if you have any dictionary at your home, then you find out any words according to the
मीनिंग्स ओके अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स यू फाइंड आउट। तो आप देख सकते हैं एक डिक्शनरी में आप कोई भी वर्ड्स उसको रीअरेंज करना, उसको अच्छी तरीके से आप डिक्शनरी में सारे वर्ड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द मीनिंग्स, तो आप उसमें आप देख सकते हैं। अब इसमें आप आई होप दैट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ अ डिक्शनरी एंड व्हाट इज़ अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। के अल्फाबेटिकल की मतलब किसी को भी हम जैसे ए वाले कोई भी ए से स्टार्ट होता है वर्ड्स तो उसको ए के अकॉर्डिंग लगाना, बी से स्टार्ट होता है बी से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जब हम किसी भी चीज़ को मेंटेन करते हैं तो वो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स कहलाता है ओके। अब देखो द सी एक्सरसाइज ऑफ इन योर बुक दैट रिराइट इज रॉ ऑफ द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, कि ये जो रॉ ऑफ द वर्ड्स है वर्ड्सों की जो पंक्ति है इनको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में करना है। लुक एट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड्स इन ईच रो, तो क्या है लुक एट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड कि फर्स्ट लेटर आप देखिए एंड डू दिस एक्सरसाइज ऑल्सो इन योर बुक ओके। नेक्स्ट डी एक्सरसाइज कि रीराइट ईच रो ऑफ द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, लुक एट द सेकेंड लेटर ऑफ ईच वर्ड्स इन ईच रो।